आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। चंडीगढ़ की तमाम यूनियनों ने इकट्ठे होकर सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और डेली वेज में काम करने वाले सभी कर्मचारी शामिल थे। यह प्रदर्शन वह अपनी मांगों को लेकर कर रहे थे और जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे थे कि वह पिछले काफी वर्षों से नगर निगम और चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत कार्यरत हैं। इसके बावजूद भी उन पर कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई है। उनकी मांग थी कि एक रेगुलर पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके तहत इतने सालों से काम करने वाले कर्मचारियों को पक्का किया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कहा कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी और डेली वेज कर्मचारी का शोषण होता है। जब सरकार खुद कहती है कि बिचौलिया नहीं होना चाहिए, तो उनके बीच में ठेकेदार बिचौलिया का काम क्यों कर रहा है? चंडीगढ़ प्रशासन नगर निगम खुद क्यों नहीं कर्मचारियों की भर्ती करता? इसके साथ साथ यूनियन का कहना था कि पिछले जब उन्होंने अपनी मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, तब यह समझौता हुआ था कि कर्मचारियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, लेकिन 12 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। क्या जिन्हें अब तक बहाल नहीं किया गया है? यहाँ तक कि कर्मचारियों पर एस्मा भी लगा दिया गया था, जो कि सरासर गलत है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की और डेली वेज कर्मचारियों की 25,000 के करीब संख्या है, जो कि चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर जल्द से जल्द चंडीगढ़ प्रशासन को कोई पॉलिसी बनानी चाहिए। मैडम, सबसे पहले अपना नाम और कौन से महकमे से हैं? आज भी आप प्रदर्शन में शामिल हैं, आखिर क्यों? मेरा नाम सुनीता शर्मा है, मैं ICCAW कौंसल में काम करती हूँ और आज हम यहाँ पे धरने में इसलिए आए हैं क्योंकि कितने सालों से हमें 30 साल हो गए इस कौंसल में काम करते हुए। आज हमें 910 वाला स्केल दिया जा रहा है और लेकिन उसके जो हमें डीए दिया जाता है वो 59% है, 59% है डीए, और उस डीए के कारण आज हमारी जो सैलरी है डीसी रेट से भी कम हो गई है। और जो लोग अभी नई ज्वाइनिंग हुई है, लोग आज 24-25 हज़ार के सैलरी ले रहे हैं, लेकिन हमें डीए कम होने के कारण और जो हमारे 6 पे कमीशन आया गया वो अभी तक हमें लागू नहीं हुआ, तो उसके कारण जो हमारी सैलरी है हमें सिर्फ 12 या 13 हज़ार रुपये ही सैलरी मिली है, हालांकि हम रेगुलर एम्प्लॉइज हैं। तो इसलिए आज हम ये कहने के लिए जो 6 पे कमीशन है वो हमारे जल्दी से जल्दी लागू किया जाए और जो हमारे बनते भत्ते हैं हमें वो दिए जाएँ, और जो हमारे यहाँ पर स्विच ऑफ स्टाफ था वो यहाँ पे डीसी रेट पे काम करता था, ठेकेदार के थ्रू था, लेकिन जब उनको डिपार्टमेंट के थ्रू मतलब कि उनको लिया गया है तो तब उनकी जो सैलरी है 17,000 से कम करके डीसी रेट से कम करके 11,000 फिक्स पे कर दी गई है। जो हमारी हेल्पर्स रहने काम करती हैं उनको सिर्फ 7,000 रुपये सैलरी दी जा रही है। हमें तो ये लगता है कि हम यहाँ पे मतलब पक्के मुलाजम नहीं है, एक दिखाई जा रही है, इसलिए हम यहाँ पे यही कहने आएंगे जो हमारे डीसी रेट है 2016 से हमारा डीसी रेट रुका हुआ है और 2016-15 से हमारा जो है डीए रुका हुआ है। हमें जो डीसी रेट हमें 2016 से जो बढ़ा हुआ है डीसी रेट है वो जल्दी से जल्द लागू किया जाए, और जो हमारा डीए रुका हुआ है 3 सालों से और जो हमारा 6 पे कमीशन का जो अभी आया उसकी जो रुका हुआ है वो हम पे जल्द से जल्द लागू करके हमें अच्छी सैलरी। सर पहला अपना नाम दस दो, दूसरा आज दे प्रदर्शन बारे दस दो। मैं सुभाष लाबा, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन, और आज का ये जो प्रदर्शन है जो चंडीगढ़ में तमाम प्रकार के मुलाजिम हैं इकट्ठा होकर के सरकार के खिलाफ प्रशासन के खिलाफ ये प्रोटेस्ट किया है, इसमें नंबर एक पर मांग है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि लगभग 25,000 कर्मचारी जिसमें 5,000 डेली वेजेस हैं, 20,000 के करीब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, वो 10-10, 15-15 साल से नौकरी कर रहे हैं, ना तो उनको समान काम समान वेतन दिया गया है, ना उनकी जॉब सिक्योरिटी है और ना रेगुलर करने की कोई पॉलिसी है, तो इसलिए मांग कर रहे हैं कि रेगुलर करने की पॉलिसी पता बनाओ और इनको पक्का करो। 20,000 के करीब मुलाजिम हैं जिसके बीच में ठेकेदार हैं। सरकार बड़ा भारी प्रचार किया कि किसानों के और सरकार के बीच में जो आड़ती हैं ये बिचौलियाँ हैं, बिचौलिया सिस्टम को मोदी सरकार ख़त्म करेगी, लेकिन यहाँ प्रशासन के और मुलाजिम के बीच में जो ठेकेदार है क्या ये बिचौलिया नहीं है? इसको ख़त्म क्यों नहीं करते? इसको बीच में से हटाएं और डायरेक्ट उनके रोल पर लेकर क्या उनकी सेवा को पक्का करें, बराबर वेतन मान दें। दूसरा घातक सवाल है, दूसरा आप देखोगे अभी जानकारी मिल रही थी लगभग सैकड़ों कर्मचारी ऐसे हैं जो रिटायर हो गए लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही, जो हकदार हो पेंशन के,
कारपोरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में कभी उधर केस है कभी इधर केस है, दो साल तक जिसको नहीं मिल रहे उसकी क्या हालत होगी, पेंशन नहीं दी जा रही है। तीसरी जो बात है, जो बिजली का आंदोलन हुआ बिजली सेक्टर को बचाने के लिए, क्योंकि निजी हाथों में सौंप रहे थे, इसलिए उसमें मुकदमे दर्ज किए गए, एस्मा के केस दर्ज कर रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रखे हैं, 100 गज नोटिस, 4 सीटें, हमारे 2 दर्जन से अधिक जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज उन लोगों को यहाँ निकाल दिया। रात को बातचीत हुई थी, मैं मौजूद था, मेरे से ये आश्वासन दिया था कि बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और हम जब तक कोर्ट का लास्ट डिसीजन नहीं होगा जब तक निजीकरण के कदम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो 4 सीट 100 गज नोटिस हैं, जो सस्पेंशन है, जो टर्मिनेशन है, वो अब तक बहाल नहीं करी गई, इसलिए हम कह रहे हैं उसको भी बहाल किया जाए। और निश्चित तौर से अगर खाली पोस्टें पड़ी हैं, नहीं भर्ती नहीं हो रही, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा, इसलिए निश्चित तौर से हम कह रहे हैं कि इन मांगों का समाधान किया जाए, अगर समाधान नहीं होता है तो निश्चित तौर से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।